आज एक बड़ा अपडेट साफ तौर पर जम्मू कश्मीर से सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2.15 करोड़ की लो करेंसी, अगर बात करें नोट जो है वो बरामद किए गए, और इसके साथ साथ 5 लाख कैश भी बरामद किया गया है। और बताया जा रहा है ये 5ों लोगों की अगर बात करें तो उसमें से 4 लोग कश्मीर के हैं और एक जो है न्यू दिल्ली का बताया जा रहा है, और आज इन्हें जो है बठिंडी जम्मू करगिल कॉलोनी से जो है वहां से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है ये 5ों लोग जो है ये एक मूविंग व्हीकल में जो है फ्रॉम करगिल कॉलोनी से जो है बठिंडी मोड़ की तरफ जा रहे थे जिस वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई है, और जिसके बाद पूरी व्हीकल पे जो है सर्च किया गया पूरे प्रॉपर तरीके से, और वहां से 5 लाख इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इनके पास से 2.15 करोड़ लो क्वालिटी इंडियन करेंसी नोट्स भी इनके पास से बरामद किए गए हैं, जिसके बाद ऑफिसर ने बताया कि फिलहाल FIR नंबर 71 जो है इस पे दर्ज कर दी गई है, और अंडर द रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉज की बात करें और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस मामले में की जाएगी। इन 5 लोगों की बात करें तो इसमें नजीर अहमद बताए जा रहे हैं, सन ऑफ मोहम्मद जब्बर जो कि बरजुला श्रीनगर के रहने वाले हैं, रियाज अहमद सन ऑफ अब्दुल गनी ऑफ शेखर पुलवामा के रहने वाले, मोहम्मद नईमुल्ला सन ऑफ मोहम्मद जहीर उल हक ऑफ द्वारका दिल्ली के, ये एक व्यक्ति की बात करें तो दिल्ली का बताया जा रहा है, मंजूर अहमद सन ऑफ गुलाम मोहम्मद जो कि निशांत श्रीनगर का रहने वाला है, बसित जो कि सन ऑफ गुलाम हुसैन शोपियान का रहने वाला है। तो ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 4 लोग कश्मीर के बताए जा रहे हैं जो कि श्रीनगर पुलवामा, और बात करें तो श्रीनगर के और शोपियान के जो है इलाके से ये 4 लोग जो हैं कश्मीर के, और इनके पास से बड़ी रकम जो है 2.15 करोड़ की बात करें तो लो क्वालिटी इंडियन करेंसी जो है बरामद हुई है, और इसके साथ साथ 5 लाख इंडियन करेंसी नोट्स भी इनसे बरामद हुए हैं। FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है, और गाड़ी की बात करें तो जिसपे हरियाणा का नंबर था HR26C08653 बताई जा रही है, और इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 4 लोग कश्मीर के बताए जा रहे हैं और एक जो है दिल्ली का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस के द्वारा FIR तो दर्ज कर ली गई है, पर फिलहाल फर्थर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब इस पर की जा रही है कि हालांकि क्या कुछ इसमें रहा, ये तमाम पैसे जो हैं कहाँ से आए और किस तरह इसका इस्तेमाल होना था, तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, पर फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो फर्दर करेगी, और उसके बाद ही कोई बात जो है वो निकलकर सामने आएगी, पर फिलहाल इस हवाले से यही जानकारी सामने आ रही है कि आज पुलिस ने जम्मू के करगिल कॉलोनी से बताया, बठिंडी जम्मू की बात करें तो जो कि ये तमाम 5ों लोग जो है एक मूविंग व्हीकल में जा रहे थे, और उसके बाद जो है प्रॉपर सर्च किया गया गाड़ी को रोककर पुलिस पार्टी द्वारा, और तब उनकी गाड़ी से ये तमाम चीजें रिकवर्ड हुई, जहां पर 5 लाख इंडियन करेंसी नोट्स और लगभग 2 करोड़ से ऊपर अगर बात करें तो लो क्वालिटी इंडियन करेंसी भी बरामद की गई, और जिसमें से बताया गया कि 4 लोग कश्मीर के हैं और एक जो है दिल्ली का बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस हवाले से यही जानकारी जो है वो साफ तौर पर सामने आ रही है, और हालांकि क्या कुछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा वो भी जेके न्यूज पॉइंट आप तक पहुंचाएगा, पर फिलहाल ये बड़ा अपडेट इस वक्त जम्मू कश्मीर से निकल के सामने आ रहा है, जहां पर इतनी बड़ी रकम जो है वो बरामद की गई, हालांकि जो 2 करोड़ से ऊपर है वो लो करेंसी नोट्स बताए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो 5 लाख इंडियन करेंसी नोट्स जो है वो भी इनसे बरामद जो है किए गए, पर फिलहाल फर्थर इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले में होगी, तभी कोई बात जो है निकलकर सामने आएगी, पर आए दिन इस तरह की वारदातें जरूर देखने को मिलती है, पर फिलहाल की किस मकसद से लोग इन पैसों की बात करें, इतनी रकम किस तरह से आई और क्या कुछ इनका मकसद था, प्लान था, वो हालांकि जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चल पाएगा, या हो सकता है एक बड़ी कामयाबी है कि कुछ बड़ा होने से पहले इस तरह पुलिस पार्टी के हवाले से जिस तरह से ये तमाम चीजें जो है रिकवर्ड कर दी गई इनसे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, आप बने रहें जेके न्यूज पॉइंट के साथ।